ओके देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कुछ आप सारे बच्चे ग्राफ कॉपी सामने रखेंगे, आप पहले सुनोगे अच्छे से क्या करना है, फिर उसके बाद आप ग्राफ पे करोगे खुद। ठीक है, आप लोग भी सुनोगे, देखो बुक की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखो इसमें क्या करना है, नेम द पीरियड। ठीक है, सुनो जोया आप क्या कर रही हो, नेम द पीरियड, उस पीरियड का हमें नाम लिखना है विच कम्स बिफोर। बिफोर आप लोगों को पता है ना, बिफोर आफ्टर क्या होता है, बिफोर का मतलब क्या है, पहले। वेरी गुड, हाँ पहले, यानी उस पीरियड का हमें नाम लिखना है जो पहले आता है किससे, बिफोर द लैक्स पीरियड। लैक्स पीरियड से पहले कौन सा पीरियड आता है, पीरियड। ये प्लेसेस का नहीं है, पीरियड्स का है। ठीक है, लैक्स पीरियड से पहले कौन सा पीरियड, वेरी गुड, बस वही लिखना है। हाँ वेरी गुड, वही लिखना है थाउजेंड। ठीक है, इसमें आप लिखोगे थाउजेंड, हाँ थाउजेंड लिखना है, वेरी गुड। आप लोग भी लिखो राफ कॉपी पर, अभी आप लिखेंगे राफ कॉपी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 फिर आप करोगे फेयर कॉपी पे ये बाद में। ठीक है, नेम द पीरियड विच कम्स बिफोर द लैक्स पीरियड, कौन सा वाला है थाउजेंड, इसमें आप लिखोगे ऐसे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी पर, इसी तरह से आप लोग वो वाला क्वेश्चन भी लिखोगे जो आप लोगों के लिए कल होमवर्क थी। ठीक है, द पीरियड ठीक है, वैसे ही लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में भी, द पीरियड विच कम्स द पीरियड विच कम्स बिफोर बिफोर द लैक्स लैक्स पीरियड। ठीक है, कौन सा वाला आता है अब, द पीरियड विच कम्स बिफोर द लैक्स पीरियड इज कौन सा वाला पीरियड है, थाउजेंड, कौन सा, थाउजेंड, वेरी गुड, बस इतना लिखना है आपको। ठीक है, द पीरियड विच कम्स बिफोर द लैक्स पीरियड इज थाउजेंड। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आप देखो राइट, पढ़ू मैं क्वेश्चन नंबर 7, यस मैम, मैंने इसका आंसर लिखा क्वेश्चन नंबर 7। ओके सुनो मेरी बात, इसमें आप भी देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आप लोगों को लिखना है, लेकिन किस में, इन वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, नेम्स में लिखना है। ठीक, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इन वर्ड्स, तो पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पहले आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, जरा मुझे बोलो, 10,000, वेरी गुड, 5 डिजिट 10,000, पहले आप लिखोगे ऐसे ही स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, पहले आप वो लिखोगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, 10,000, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिजिट बन गया ना, 1s 10s 100s 10,000 मींस, आप इसको आप क्या लिखोगे, स्पेलिंग में आप इसको लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, तो आप लिखोगे 10,000। ठीक है, स्मॉलेस्ट, लेकिन पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ऐसे लिखोगे, फिर आप इसको लिखोगे वर्ड्स में। ठीक है, 10,000, मैम नंबर के बाद क्या लिखना है,
हाँ ये स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर क्या हो? वापस लो बेटा फिर वापस टेन थाउजेंड, फिर आप ये फिर से आप लिखोगे नीचे फिर दूसरी लाइन में, ठीक है? इसको आप फिर लिखोगे स्पेलिंग, ये स्पेलिंग में टेन थाउजेंड, ऐसे लिखोगे, ठीक है? आया समझ में? Yes, ma'am. हाँ, यहाँ तक किया साहब ने, क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ, yes, ma'am. Sure? Yes, ma'am. ने किया? Yes, ma'am. हाँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ओके भाई, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है? आप क्वेश्चन नंबर एट की तरह देखेंगे, क्वेश्चन नंबर एट में क्या करना है? राइट द ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर, ठीक है? अब हमें क्या लिखना है? ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर लिखना है, किस में? इन फिगर्स, फिगर्स में लिखना है लाइक दिस, ठीक है? फिर क्या करना है? बाय सेपरेटिंग पीरियड्स, इनको पीरियड्स को अलग अलग करना है। वो कैसे अलग अलग होते हैं पीरियड्स, जरा आप में से मैं देखूं किसी को पता है? वेरी गुड, यूजिंग कामा। तो चलिए पहले आप लिखोगे, चलिए आप ऐसे लिखेंगे सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर एट में, पहले ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर, पहले लिखो ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर क्या है वो आप लिखो पहले, ठीक है? जैसे अभी हमने लिखा ना स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, वैसे ही आप लिखोगे ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद हम उनको सेपरेट करेंगे, ठीक है? कैसे सेपरेट होते हैं नंबर्स, कैसे सेपरेट होते हैं? हाँ, क्वेश्चन नंबर एट में आप, हाँ क्या लिखेंगे आप इसमें? आप क्वेश्चन नंबर एट में पहले ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर इज, हाँ ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर, आप ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर क्या है, ठीक है? ऐसे लिखेंगे आप सब, सब ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर क्या है? नाइन 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 नाइन। मैं दिखाई नहीं दे रहा मैम, ठीक से दिखाइए, एक सेकंड वेट करना, एक सेकंड, जरा जरा इस जरा सब पेज नंबर क्या है? ओके, जरा आप देखो क्या है, आप ग्रेटेस्ट सेवन डिजिट नंबर क्या है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन डिजिट लिखने हैं ना,
तो अब ये क्या बना वांस टेंस, इसको अगर पढ़ेंगे जरा पढ़िए वांस टेंस इसको मेरे साथ, वांस वांस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। अब हमें क्या करना है इसको सेपरेट करना है ना, पीरियड्स को सेपरेट अलग करना है। तो अब हम क्या करेंगे इसको कैसे सेपरेट करेंगे, जैसे आप लोगों ने अभी बोला, अब क्या करेंगे कॉमा यूज करेंगे तो ये पीरियड्स सेपरेट हो जाएंगे। अब कहां पे कैसे इसको हम करेंगे, कहां पे कॉमा लगाएंगे, कैसे लगाएंगे कॉमा जब एक एक पीरियड खत्म होता है ना, फिर दो लाइन के बाद फिर एंड में। हाँ वेरी गुड, पहले आएगा 99, क्या आएगा 99 कॉमा, क्या आएगा फोर्थ क्लास 99 नहीं, इसको क्या, इसको आप क्या पढ़ेंगे 99 क्या आएगा ये, वेरी गुड 99 लाख, फिर देन 99 वेरी गुड 99 लाख 99,000 फिर 999 हाँ ठीक है 90। अब ये क्या बन गया 99,999। अब इसमें कितने पीरियड्स है, ये अब अलग हो गया ना, अब कितने पीरियड्स में ये आया, कितने पीरियड्स में आया ये, कौन सा पीरियड, देन वंस के बाद थाउजेंड्स का पीरियड एंड आफ्टर दैट लाख, वेरी गुड। लिखा साहब ने ये सर ने लिखा, यस मैम क्लियर हुआ अच्छे से, यस मैम लिखेंगे, ठीक है, कौन कौन सा काम जो हमने आज क्लास वर्क किया 6, 7 and 8 क्वेश्चन नंबर। अब जो आप लोगों के लिए होमवर्क है वो आप करेंगे, हाँ वो हमने जो कल किया, आप लोग क्या करते हो फिर क्लास में, हाँ वो नहीं कल मैंने होमवर्क दी थी वो वाला क्वेश्चन ना, सुनो आप मेरी बात, अब आज हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6B, 7B and 8B, ये आप करेंगे अपनी मैथ की कॉपी पर, ठीक है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, लिसन टू मी फर्स्ट लिसन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप इसको क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको बुक पर करना है, वो बुक वर्क है, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी आप करेंगे होमवर्क, लेकिन वो आप लिखोगे कॉपी पर। उसमें क्या करना है वो बहुत इजी है, ए पार्ट जो उसमें है, राइट 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 and 10 आप लोगों के लिए होमवर्क है, 9 बुक पर ही आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप करोगे कॉपी पर, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, सुनो ये भी बहुत इजी है, राइट 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स कमिंग जस्ट आफ्टर। अभी आप लोगों ने बोला बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है ना, बिफोर मीन्स पहले एंड आफ्टर क्या होता है बाद में, ठीक है। तो ये जो अब क्या करना है इसमें आपको 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं जो आते हैं इस नंबर के बाद। अब जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो क्या होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स, आप में से कोई बोल सकता है, हाँ वो नंबर्स जो क्या करते हैं एक दूसरे को रिपीट हो जाए, हाँ नंबर्स दैट फॉलो ईच अदर इन द ऑर्डर, जो हाँ जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं ऑर्डर में, फ्रॉम कहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो नंबर है आपको क्या करना है इसके बाद आफ्टर, ठीक है, बाद में होता है ना आफ्टर, इसके बाद आपको 4 नंबर्स लिखने हैं, ठीक है।
तो इसी तरह से जो इसका बी पार्ट है वो भी सेम है ऐसे ही, लेकिन इसमें लिखने हैं आपको फाइव कंसेक्यूटिव नंबर्स जो लेकिन जस्ट कमिंग जस्ट बिफोर, जो पहले आते हैं इस नंबर के, ठीक है, पांच लिखने हैं खाली। तो आप साफ साफ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक अपनी कॉपी पर, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल अब मेंटल मैथ्स है, मंडे इंशाल्लाह ये आपका काम चेक होगा, ठीक है। तो फिर इसमें हमें खाली एक क्वेश्चन है तो ये करेंगे फिर इंशाल्लाह मंडे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सब? क्वेश्चन नंबर 9 इसका बुक पे लिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हाँ ये सुनिए आप बुक भेजेगी ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना ये आपको बुक पर करना है, ठीक है, ये आपको कॉपी पर नहीं लिखना है, ये आपके लिए बुक पर। ओके, और मत किसी को कोई कंफ्यूजन है, यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से? क्लियर हुआ अच्छे से? यस मैम। ओके नाउ लिसन योर अटेंडेंस, आप भी सुनोगे फिर आपको मैं थोड़ा सा और बोलूंगी, ठीक है। गर्ल्स फर्स्ट, ठीक है, रोल नंबर 1 गर्ल्स, रोल नंबर 1 मॉम। ओके 2, 3, 4 सिद्रा, 5, 6, 7 बरीरा जान, 8 मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी। ओके 9, 10 जन्नत जावेद, 10 प्रेजेंट, 11 मैम प्रेजेंट है, ओके 12 रोल नंबर 10 प्रेजेंट, ओके 14 अरीबा, 15 सोलह वाहिद, 16 17 रोल नंबर 19 आयमन प्रेजेंट मैम, रोल नंबर 20 जिसकी अटेंडेंस मिस हो जाती है ना बस फिर बीच में मत बोला करो, एट द एंड मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को किसी की अटेंडेंस मत मिस हुई बीच में मत बोला करो फिर। रोल नंबर 20, 21 खुशबू प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, ओके 22 सीरत प्रेजेंट मैम, 23 साहिबा जान, 24 हादिया, 25 साहिबा जहरा प्रेजेंट मैम, 26 सादिया प्रेजेंट मैम। ओके नाउ बॉयज लिसन योर अटेंडेंस, बॉयज रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57
लिसन टू मी, आप लोगों को मैं रोल नंबर 3 प्रेजेंट. ओके मिहाल चुप, सुनो मेरी बात, जिसकी अटेंडेंस मिस हो जाती है ना फिर वो मत बोला करो बीच में, ठीक है? फिर एट द एंड जब मैं पूछती हूँ ना किसी की अटेंडेंस मिस हुई भी उस टाइम वो बोल सकता है, ऐसे बीच में नहीं बोलना होता है. सुनो अब एटेंड रोल नंबर 6 या 7 अजहर शकील. मैम रोल नंबर 2 प्रेजेंट. रोल नंबर 8 9 नदीम. नहीं प्रेजेंट मैम. नदीम ओके. 10 रिहान. 11 साजिद. 12 शाहान. 13 शेख जहीन. मैं प्रेजेंट. ओके. 14 अबूजर. 15 16 17 अबरार हुसैन. प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट मैम. ओके. 18 अबरार हसन. 19 20 21 22 23 मोहम्मद सईद. 24 25
26, 27. रोल नंबर 27. ओके अब ये आज का काम करना ठीक है जो मैंने आपको दिया आज, तो इंशाल्लाह मंडे के दिन ये मैं चेक करूंगी और जो कल का काम है आप लोगों को वो आप सेंड करेंगे ठीक है, वो मैं चेक करूंगी जो कल का काम है, तो बाकी इंशाल्लाह कल है मेंटल मैथ तो कल हम वही पढ़ेंगे ठीक है, और जो भी जितना भी हमने किया अब एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो इसमें आप प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ ठीक है. ओके और मत कुछ बोलना है किसी को. नो मैम. ओके अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम.